नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय और टोटके को बताऊंगा, साथ ही ऐसे रत्ना के बारे में बताऊंगा जिसके धारण करने के बाद हर जो कोई भी मनुष्य है, चाहे एकदम गरीब तुल्य क्यों ना व्यक्ति धारण कर ले तो बिल्कुल ही वह धनवान बन जाते हैं और उनके सारी इच्छा पूरी होती है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। देखिए मित्रों, गुरु जो होती हैं, गुरु की जरूरत प्रत्येक शिष्य को होती है। बिना गुरु के ज्ञान का उपज होना संभव नहीं। अगर आप बृहस्पति देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरुवार के दिन बृहस्पति का वार होता है, भगवान विष्णु का वार होता है, यानी कि इस दिन दोनों महाशक्ति का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन होता है। तो आज मैं आप लोगों को सरल टोटके भी बताऊंगा, सरल उपाय बताऊंगा और ऐसे रत्ना के बारे में बताऊंगा जिसे धारण करने के बाद बिल्कुल ही दोस्तों आपकी हर दबी हुई इच्छा पूरी होने लगेंगी। आपके मन में जितने भी इच्छा उत्पन्न होंगे, सारी इच्छा स्वतः पूर्ण होते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम सबसे सरल आसान उपाय बताते हैं ताकि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। टोटके जो है नोट करके रखे पेन कॉपी में। इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला टोटके गुरुवार के दिन आप करना चाहते हो तो जो आप नहाते हो तो नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके स्नान किया करें। अब इसका कारण सुनिए तो ये हर एक प्रकार के परेशानी को दूर करता है। नहाने के पानी में जो चुटकी भर आप जो हल्दी डालते हैं तो जो पीला कलर होता है गुरु को प्रभावित करता है। तो हल्दी डाल करके आप जो स्नान करते हैं तो आपके हर एक परेशानी, चाहे शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी, धन से संबंधित परेशानी हो, सारे परेशानी दूर हो जाते हैं। तो प्रत्येक जो है गुरुवार को नहाने में थोड़ा सा नहाने के पानी में हल्दी डाल करके नहाया करें। दूसरा, पीले पुष्प भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि पीले पुष्प से भगवान बृहस्पति देव जो है, भगवान विष्णु जो है खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं। क्योंकि दोस्तों हम किसी को अच्छे कपड़े पहने रहते हैं तो देख करके आकर्षित होते हैं, ठीक इस प्रकार देवी देवताओं की शक्ति भी आकर्षित होते हैं। तीसरा टोटके सुन लीजिए, पीली हल्दी चुटकी भर, ठीक है, पीली हल्दी जो पीसा हुआ पीली हल्दी ओरिजिनल होना चाहिए, तो ये चुटकी भर पीपल के जड़ में चढ़ा करके आपको आ जाना है। तो आपके मन में जो भी इच्छाएं, दबी हुई इच्छा पूरी हो जाएंगी। घर में किसी को शारीरिक परेशानी तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चुटकी भर आपको हल्दी लेकर के पीपल के जड़ में डालते हुए बोलना है कि फलान आदमी की बीमारी ठीक हो जाए, तो वह बीमारी दूर हो जाएंगी। आप चाहते हैं कि हमारे घर में धन के संबंधी परेशानी है तो आप हमारे जो है धन संबंधी परेशानी को दूर करें। जो लोग कर्जे से लदे हैं वो लोग भी बोल सकते हैं कि कर्जे से हमें मुक्ति प्रदान करें। तो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये टोटके हम किसी को बताते नहीं, लेकिन आप सभी की जिज्ञासा शांत करने के लिए बता रहे हैं। चौथा टोटके नोट करके रखें तो गांठों वाले हल्दी की माला बना करके घर के मुख्य द्वार पर बांध देने से भी लक्ष्मी बंध जाती है गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का भी दिन होता है, तो इससे लक्ष्मी का बंधन होता है। लक्ष्मी जो आपके घर में स्थायी रूप से रहने लगती है, तो अगर आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहने लगे तो वह व्यक्ति जल्द से जल्द धनवान बन जाते हैं। उसे किसी भी प्रकार की फिर चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वतः प्राप्त होने लगती है। अब रत्ना सुन लीजिए तो गुरु को खुश करने के लिए, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए पुष्पहार धारण कर सकते हैं। ये 3 से 5 कैरेट की मात्रा में आपको लेना है, ये काफी उत्तम होता है। स्वर्ण या चांदी की अंगूठी में जो आप धारण कर सकते हैं। तो पुष्पहार धारण करने से क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या क्या फायदा मिलेगा, वो भी सुन लीजिए आपके जीवन में। तो जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे, जो बिगड़े हुए काम है बनने लगेंगे, किस्मत के ताले खुल जाएंगे, दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे और आने वाले हर परेशानी स्वतः समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो आप अंगूठी में धारण करेंगे पुखराज, तो ये स्वतः ही हर एक प्रकार की परेशानी को समाप्त करना शुरू कर देंगे। हर कोई आपके बात मानेंगे, तरक्की के हर मार्ग खुल जाएंगे। और देखिए, गुरु स्ट्रांग है तो सब स्ट्रांग हो जाते हैं। जिनके गुरु अगर अच्छे हैं तो उनके शिष्य भी अच्छे हो जाते हैं। तो आपके भाग्य उदय हो जाएंगे, आपकी किस्मत के हर ताले खुल जाएंगे, हर कदम में आपको सफलता मिलेंगे। तो ये था आज के छोटे सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।